अच्छा तो अच्छा मैं दरअसल जहाँ पे मेरा जन्म हुआ, तुलसीदास जी ने वहीं मतलब मेरे मकान के एक 10-15 फीट दूरी पर जो भवन है वहाँ बैठ के उन्होंने हनुमान चालीसा को का वो लिपिबद्ध किया था उसको, और मैं उसी भवन में खेलता कूदता बड़ा हुआ हूँ। हनुमान चालीसा मेरे लिए एक वैसी चीज थी जो कंठस्थ तो क्या, मतलब सुनते 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 इतने लोगों से सुना कि वो रट गया, और रटने के बाद इतनी बार पढ़ा कि वो न जाने कितनी बार, शायद अब संख्या भी याद नहीं है कि कितनी संख्या हो गई होगी। अब जो आपने प्रश्न पूछा कि क्या ये कट्टर हिंदुवाद इस्लामवाद, हाँ उससे पहले अभिलाष जी कुछ कह रहे थे, मैं मुझे उसमें एक बड़ी छोटी सी छोटा सा प्रसंग याद आया था। इन्होंने अभिलाष जी जब कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि उन्होंने अपनी ब्याहता पत्नी को, हालांकि व्यक्तिगत ऐसे टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए किसी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में, लेकिन उसी संदर्भ में मुझे याद आया कि तुलसीदास जी भी जो थे जिन्होंने हनुमान चालीसा लिखा था, उनकी पत्नी ने भी उनको त्याग दिया था। तो उसके बाद वो गोसाई हो गए और उन्होंने ये पूरी रामचरितमानस लिखी और हनुमान जिसमें पत्नी चालीसा की बड़ी लिखा। भूमिका रही उन्होंने। सही बात है, आप हाँ सही हाँ कह रहे हैं। पत्नियों की बहुत भूमिका होती ही है जी, पुरुषों के जीवन में। वो एक कहावत है अंग्रेजी की ना कि देयर वुमेन बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन। तो खैर उस पर हम आएंगे कभी, दोबारा चर्चा करेंगे। अभी जो आपने प्रश्न पूछा कि भाई क्या ये कट्टर इस्लामिक राष्ट्रवाद या हिंदू राष्ट्रवाद की तरफ हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, तो वहां पहले मैं गोस्वामी तुलसीदास जी को ही कोट कर देता हूँ जो उन्होंने लिखा था। जब आप लोगों को संभवतः पता नहीं, मुझे अभिलाष जी आपको ज्ञात होगा या नहीं कि ये हनुमान चालीसा लिखी कब गई थी, अभिलाष जी आपको ज्ञात है क्या? नहीं मुझे नहीं 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 ऐतिहासिक पक्ष इसका नहीं मालूम। अच्छा, तो ये हनुमान चालीसा 1640 विक्रम संवत में लिखी गई थी। 1680 में तुलसीदास जी का देह त्याग हुआ था गंगा में, गंगा जी के किनारे अस्सी घाट पर, जहां उनकी समाधि है। उसी के बगल में ही मेरी मातृभूमि मतलब मेरा जन्म स्थान है, बिल्कुल बगल में सटा हुआ ही। तो उन्होंने ये जो धार्मिक उन्मादवाद की चर्चा हो रही थी कि क्या ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, कौन फैला रहा है कौन नहीं फैला रहा है, इस पर उन्होंने चार पंक्तियां लिखी थी। और ये संदर्भ तब का था जब लोगों ने ये शक करना शुरू किया, और उस समय सम्राट अकबर भारत के शासक थे। तो लोगों ने जब शिकायतें पहुंचाई और राजा टोडरमल उनके जो कोषाध्यक्ष थे वो उनके द्वारा शिकायतें पहुंची, तो उन्होंने तुलसीदास जी को बुलाया अपने यहाँ और उनसे पूछा कि भाई तुम ये सब क्या लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो, कैसी चीजें लिख रहे हो, क्या है तुम्हारा ये महाकाव्य। तो वहां से लौट के आने के बाद तुलसीदास जी ने चार बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी थी कि धूत कहो अधूत कहो रजपूत कहो जुलहा कहो कौ, काहू को बेटी सो बेटा न ब्याहब, और काहू को जात बिगाड़े न सोहू, मांग के खइबो मसीद में सुतिबो, लेने को एक न देने को दो। तो ये था उनका सिद्धांत, और इस तरीके के निष्पक्ष मानववादी थे तुलसीदास जी। हनुमान चालीसा उन्होंने लिखी विक्रम संवत 1660 में, और मंगलवार के दिन उन्होंने हनुमान जी को अर्पित की, और पहली बार हनुमान जी को जीवित रूप में, हनुमान जी आज भी भगवान नहीं कहे जाते हैं। तो आप लोगों को ये थोड़ा सा मैं करेक्शन कर दूं, वो जीवित हैं और अभी भी मतलब कलयुग में प्रत्यक्ष देवता के रूप में उनको माना जाता है, तो कलयुग के प्रत्यक्ष अवतार हैं जो अभी भी हैं, तो वहां कोई संदेह की बात नहीं है। और उन्होंने ये कहा कि भाई ठीक है कोई भी हो, मैं मुझे आप हिंदू कहिए मुसलमान कहिए, आप मुझे सिख ईसाई कहिए पारसी कहिए, मैं किसी बात का बुरा नहीं मानता हूँ, मैं तो ईश्वर का स्मरण कर रहा हूँ, और आप लोगों को भी ये हनुमान चालीसा दे रहा हूँ कि आप लोग भी ईश्वर का स्मरण करें, ये मार्ग है ये एक पद्धति है, इससे आपका
जो उनमें उन्होंने उसमें चौपाइयां जो लिखी हैं, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो या किसी को कंठस्थ हो तो मुझे पता नहीं, फिर भी मैं बता देता हूं कि उन्होंने हनुमान जी को विनती पूर्वक लिखा। पहली चीज तो उन्होंने उनसे पूछा, क्योंकि वो प्रत्यक्ष उनके सामने थे, बैठे हुए थे और उनको बता रहे थे जब वो रामचरितमानस लिख रहे थे। और तब जब उन्होंने उनसे ये पूछा कि कलयुग में कैसे आपको प्राप्त किया जाए, कैसे आपका आम लोग ध्यान स्मरण करें और आपके पूजन में संलग्न हो, तो उन्होंने कहा कि सरल भाषा में आप हनुमान चालीसा लिख दीजिए, इसको जो पढ़ेगा मैं उसके सारे दुख कष्ट संकट और उसके बुद्धि के जो विकार हैं वो सब हर लूंगा और उसको ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए प्रशस्त करूंगा। अब बात हुई, या आप आते हैं कि प्रधानमंत्री के आवास पर जाने के लिए और प्रधानमंत्री के आवास पर हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, तो मैं तो उस बीबी की का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। मैंने आज उनको देखा कि वो हनुमान चालीसा बहुत अच्छे से पढ़ रही हैं, और ताज्जुब यह हुआ कि अभी तक किसी बरेली से या कहीं किसी कोई मुल्ला ने फतवा जो है जारी नहीं उनके हुआ। खिलाफ फतवा नहीं जारी किया और उनको गैर मुस्लिम नहीं घोषित कर दिया। तो मैं तो ये कहता हूं कि भाई मेरे विचार अगर आप कहते हैं, या मैं कहूं कि मेरा विचार क्या है, मैं तो मानता हूं कि हर हिंदू को कुरान पढ़ना चाहिए, हर मुसलमान को हनुमान चालीसा, रामायण और महाभारत पढ़नी चाहिए, और दोनों में से जो ज्ञान की अच्छी वस्तुएं हैं, जो सामंजस्य की अच्छी वस्तुएं हैं, जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, जो ज्ञान है, जो मार्गदर्शन है ईश्वर के, पैगंबर के, या जिनके द्वारा भी दिया हुआ हो, उसको अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए, उसके मार्ग पर चलना चाहिए, तदनुसार आचरण करना चाहिए। और मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी एक बार आपको संभवतः कहा था या नहीं कहा था कि उसी समय 1600 संबत में ही वाराणसी में दो बहुत रेडिकल लोग, दो क्या तीन रेडिकल लोग पैदा हुए थे जिन्होंने समाज को बिल्कुल परिवर्तित कर दिया था। एक कबीरदास थे और एक रैदास थे, रविदास जिनको आप कहते हैं, जी। ये लोग भी उनके समकालीन थे तुलसीदास जी के। तो कबीरदास जी ने तो बहुत साफ लिखा है कि आप ये अजान पर विवाद कर रहे हैं, लाउडस्पीकर लगा के आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, चिल्लाएंगे, हल्ला मचाएंगे, किस लिए, किस वजह से? तो उन्होंने वो दो पंक्तियां लिखी थी कबीरदास जी ने। लोग कहते हैं कि वो मुसलमान थे, मुसलमान उनको मुसलमान मानते हैं, हिंदू उनको हिंदू मानते हैं, और न जाने उनको कौन क्या मानता है, पर उन्होंने तो बड़े स्पष्ट शब्दों में दोनों के लिए लिखा कि काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए और ताचड़ मुल्ला भांग दे बहरा हुआ खुदाए। तो आप क्यों लाउड स्पीकर लगा के ऊपर वाले को परेशान कर रहे हैं? आप चिल्लाएंगे तो क्या वो जग जाएगा? और आप क्या हल्ला मचाएंगे या लाउड स्पीकर लगा के आप कहीं हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे? ये कुछ नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि ये बेवकूफियां करने के लिए आपको चंद लोग प्रेरित कर रहे हैं, और ये उन्मादवाद जो है, फैनाटिज्म जिसको आप कहते हैं, जी। ये जो फैनाटिज्म है, ये फैनाटिज्म वोट में कन्वर्ट होता है, ये सत्य है। यही फैनाटिज्म पाकिस्तान में भी इस्तेमाल किया जाता है, यही फैनाटिज्म इस्लाम खतरे में है, ज्यादातर इस्लामिक इस्लामोफोबिया देशों है। में। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।